बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ज़हन में ना दो राय थी इस प्रोग्राम के लिए। एक ये है कि मैं मिंबर पर बैठ कर ना आपको वो सारे मसाइल सुना दूँ। इसमें यह होगा कि मिंबर पर बैठ के किस्सा वाकया कोई फजीला सुनाओ तो याद रह जाती है। मसले अगर मैं 20 मिनट मसले ही बोलता रहूँ 25 मिनट तो ये नहीं होगा कि आपको 25 मिनट बाद वो मसले याद होंगे। कुछ याद होंगे, बहुत सारे जहन से निकल चुके होंगे। ये तो अच्छा किया, ये पंखे बंद कर दिए। तो हम इस पे ना लिख लिया करेंगे, ख़ास तौर पर जो उनवानात हमने इश्तिहार पर दिए थे उनमें से एक एक उनवान आप ले लें, हम ले लेंगे और उसके हिंट्स मैं लिख कर लाया हूँ और उससे मुतलका जो ज़रूरी चीज़ें होंगी वो एक एक उनवान के लिहाज से मैं वाजह करता जाऊँगा और इसमें आप लोग सिर्फ सुनते जाएंगे। जो आपके जहन में सवाल हो आप उसको अपने जहन में महफूज रख लें। जब मैं इसको मुकम्मल कर लूँगा उसके बाद फिर आपको पूरा इख्तियार होगा कि आप जो सा सवाल करना चाहें कर लें। ठीक हो गया जी। अब हम इसको समझते हैं। शरीयत के मसाइल सीखना, एक शरीयत का एक बाब सीख लेना, बाब कहते हैं जैसे रोज़ा एक बाब है, नमाज एक बाब है, एक बाब सीख लेना हज़ार रकात नफिल पढ़ने से ज़्यादा सवाब है। एक बाब सीख लेना हज़ार रकात नफिल पढ़ने से ज़्यादा सवाब है। और दूसरी रिवायत मैंने पढ़ी थी कि एक मसला सीख लेना पूरी रात की इबादत से बेहतर है। तशरीफ़ लें जी, यहाँ हमारे करीब तशरीफ़ लें, आप हमारे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। एक मसला सीख लेना सारी रात इबादत करने से बेहतर है। एक मसला सीख लेना, क्योंकि दीन तो मसाइल के साथ है ना। मसला आएगा तो रोज़ा ठीक होगा, मसला सही नहीं आता होगा तो रोज़ा ठीक नहीं होगा। वो सिर्फ एक हदीस सुनाता हूँ ताकि हमें मालूम हो जाए कि मसाइल सीखना कितना ज़रूरी है। एक आदमी ने नमाज में एक गलती की, यानी मसले के ख़िलाफ़ उसने अमल किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बज़ाहिर नए नए मुसलमान होंगे, उन्होंने आकर नमाज पढ़ी तो नमाज में उन्होंने एक ऐसा काम किया जो मसले के ख़िलाफ़ था। वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में पेश हुए तो आपने फरमाया इरजा फसल्ली फ़इन्नक लम तुसल्ली, जाओ नमाज दोबारा पढ़ो, तुमने पढ़ी नहीं है। बुखारी की हदीस है। उन्होंने दोबारा पढ़ी तो आपने फिर कहा भाई नमाज नहीं पढ़ी, हालांकि वो नमाज पढ़ रहा है। तीसरी दफ़ा आपने कहा तुमने नमाज नहीं पढ़ी, फ़इन्नक लम तुसल्ली, इसका तर्जमा ये कि बेशक तुमने नमाज नहीं पढ़ी, इन इस बात में कोई शक ही नहीं है कि तुम्हारी नमाज नहीं हुई। वजह क्या थी कि एक मसला छूट रहा था, एक मसले गलत हो रहा था कि वो रुकू के बाद सीधा खड़े नहीं होते थे, सजदे के बाद सीधा उठ के बैठते नहीं थे। यह गलती हो गई ना जिससे नमाज ही पूरी ज़ाय हो गई। हज सीखने के लिए गए लोग, फ़ज़ाइल हज में मशहूर वाक़या है, शाम को ख्वाब में किसी ने देखा बुज़ुर्ग ने, दो फरिश्ते आए उनके खड़े हो गए। एक फरिश्ते ने दूसरे से पूछा कि कितने लोगों ने हज में शिरकत की है, उन्होंने कहा जी 6 लाख आदमी ने। कहा कितने लोगों का हज कबूल हुआ, कहा सिर्फ 6 आदमियों का। मसला नहीं सीखेंगे तो हज नहीं होगा, हज नहीं होगा ख़त्म कहानी। रोज़े के मसले नहीं सीखेंगे, रोज़ा टूट जाएगा हमें पता भी नहीं होगा। या बाद दफ़ा क्या होगा, हम छोटी छोटी चीज़ों से डरते फिर रहे होंगे कि कहीं रोज़ा टूट ना जाए, कहीं टूट ना जाए, हालांकि उससे कुछ भी नहीं होता। लेकिन चूँकि मसले का पता नहीं है इसलिए आदमी बेचारा डरा रहता है। और बाद दफ़ा करने को है तो बड़ी बड़ी गलतियाँ कर जाएगा, कुछ नहीं होता इससे, रोज़े ही तोड़ दे। और ना करने को है तो छोटी छोटी बातों से डरता रहेगा, सर पे तेल नहीं लगाना, औरतें कहेंगी मेहंदी नहीं लगानी कि रोज़े में फ़र्क पड़ जाता है, सुरमा नहीं लगाना, आंखों में दवाई नहीं डालनी, वो बेचारा परेशानी में पड़ा रहेगा क्योंकि उसको मसले का पता नहीं है, वो हर बात से डरेगा। इसलिए हम इन मसाइल को सीखते हैं ताकि हमें शरीयत के मुताबिक रोज़ा रखना नसीब हो। जब रोज़ा शरीयत के मुताबिक होगा फिर जो आखरत में जितने सवाब हैं रोज़ा रखने वालों के वो सारे हमें मिलेंगे। और अगर रोज़ा रखा लेकिन शरीयत के मुताबिक नहीं रखा, मसलों के मुताबिक नहीं रखा, अल्लाह रसूल के नज़दीक रोज़ा हुआ ही नहीं, हम बड़े खुश फिर रहे होंगे कि मैं बड़ा रोज़ेदार हूँ, अल्लाह के नबी के पास जाएंगे वो फरमाएंगे इन्नक लम तुसल्ली, तेरा तो रोज़ा हुआ ही नहीं, नमाज हुई नहीं, भी तुमने सीखा क्यों नहीं था। तालबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। उस इल्म से मुराद ये वाला इल्म है, इसको सीखना फ़र्ज़ है कि अगर ये ना सीखा तो फ़र्ज़ छूट गया है। तो बाद लोग क्या कहते हैं, कहते हैं जी ना मसले का पता होगा ना अमल करना पड़ेगा। ये मेरे साथ पेश आमदा वाक़या, हमारे रिश्तेदार हैं तो मैं उनको मसला बताने लगा तो कहने लगा मुझे ना बताओ। मैं कहा क्यों भाई, कहने लगा मुझे पता चल जाएगा अमल करना पड़ेगा, अब तो मुझे पता नहीं है ना, तो लिहाजा मुझे पता नहीं है तो क्या हर्ज हुई।
मैंने कहा ये तो बड़ा आसान रास्ते जन्नत में जाने का, दीन सीखो ही ना, कि मुझे पता ही नहीं है दीन का, इसलिए मैं या अल्लाह गलत करता रहा, मुझे तो जन्नत में भेज दे। अल्लाह कहेगा उनका क्या कसूर है जो मसले सीखते रहे उसके मुताबिक अमल करते रहे। तो ये तो बड़ी नादानी सी बात है ना कि मसले का पता ही नहीं होना चाहिए, ताकि ना पता होगा ना अमल करना पड़ेगा। ये तो ऐसे जैसे कानून का पता ना हो और बाद में कानून वाले को कहो जी मुझे तो कानून का पता नहीं था, मुझे अब क्यों पकड़ रहे हैं। वो कहेगा कानून सीखना तुम्हारे ज़िम्मे है, इल्म सीखना हमारे ज़िम्मे है। आप रोड पर कह सकते हैं जी मेरा चालान ना काटो, जी मुझे पता नहीं था ट्रैफिक के कौन में कौन नहीं इनका। वो कहेगा इधर लाइन पे लगा, पता नहीं था। तो भाई जैसे दुनिया की चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, ऐसे मसाइल भी मालूम होंगे तो अमल करेंगे। तो मैं अब शुरू करता हूँ जो हमारे बाहर उनवान दिए हुए हैं उन्हीं उनवान के मुताबिक। इसको थोड़ा टेढ़ा में कर लें ताकि इस सबको नज़र आए। ठीक हो गया, बस अगर किसी को नजर ना है थोड़ा इस तरफ हो सकता है और कर दो बस, बस काफ़ी है, ये मिट जाता है, ये पक्का पक्का है, बस ठीक रहने दे, जरूरत नहीं है। हाँ नहीं रखा, मैं जरूरत पड़ी उठा लूँगा मैं। हमारा पहला उनवान था रोज़ा कब छोड़ना जायज़ होता है, ये उनवान था ना, उसके मुताबिक हमने चलना है। तो मार्कर बिल्कुल नया है, कब छोड़ना जायज़ होता है, ये हमारा पहला उनवान है। अब इसमें चंद बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, फिर एक एक मैं तफसील भी कर दूँगा। नंबर एक सफ़र, नंबर दो हैज़ और निफास, नंबर तीन हामला औरत, चार दूध पिलाने वाले, मोटा कैसे होगा, ऐसे दबाने से ये चला चला क्या होगा। और पांचवा बीमारी, कुछ हो गया है, ये पांच बड़ी चीज़ें हैं जिनकी वजह से रोज़ा छोड़ना जायज़ हो जाता है। नंबर एक सफ़र, जब आदमी सफ़र पर चला जाता है तो उसके लिए रोज़ा छोड़ने की शरण इजाज़त है। सफ़र किसको कहते हैं, जो जिस सफ़र में नमाज कसर पढ़ते हैं वो वाला सफ़र, यानी कि हम यहाँ से मियाँ चलूँ गया तो सफ़र शुरू हो गया, वो जो 77 किलोमीटर वाला मसला है। जब आदमी शरई तौर पर मुसाफिर बन जाता है, मसलन मैं यहाँ से लाहौर जा रहा हूँ, मैं यहाँ से कराची जा रहा हूँ, जब मैं तुलंबा की हदूद से बाहर निकल जाऊँगा, मैं मुसाफिर हो गया, अब मेरे लिए रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। यानी क्या मतलब, मैंने यहाँ से जाना है लाहौर, तो आज रात को मैं बैठा वहाँ, सुबह जाके मैं लाहौर उतरा, अगले दिन मैंने वहाँ पाँच दिन रहना है सिर्फ, तो पाँच दिन रहना है तो मैं वहाँ मुसाफिर हूँगा, तो चूँकि मैं मुसाफिर हूँ मेरे लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ है। मैं पाँच दिन रोज़े न रखूँ, मुझे कोई गुनाह नहीं है। जब मैं वापस आ जाऊँ तो अपने रमज़ान के रोज़े पूरे करूँगा, ईद के बाद फिर उनकी कज़ा रखूँगा। ये एक मसला हो गया। इसी तरह लोग यहाँ से जाते हैं लाहौर अपना सामान लेने के लिए, यहाँ से जाते हैं किसी और जगह सामान लेने के लिए, अब वो चाहते हैं कि हम रोज़ा छोड़ें। उसका तरीका ये होता है कि आप इस तरीके से यहाँ से चले जाएं कि जब कल सुबह सहरी का टाइम हो ना तो आप सफ़र में हों। मसलन किसी को पूरा दिन ही लग जाता है, सुबह को जाता है शाम को वापसी होती है, आज रात आप यहाँ से रवाना हो जाएं, कल जब सहरी का टाइम ख़त्म होने लगे तो आप तुलंबा से निकल चुके हों। मसलन आप चनो पहुँचे हुए हैं, आप लाहौर पहुँचे हुए हैं, आप उस वक्त मुसाफिर हैं और आपने पूरा दिन वहाँ लगाना है, अफ्तारी के करीब है, उसके बाद वापस आना है, तो आप उस दिन रोज़ा छोड़ दें, आपको कोई गुनाह भी नहीं होगा, आपका काम भी हो गया, ये रोज़ा बाद में रख लेना, इसका कोई गुनाह नहीं है। ये एक बात। दूसरा है हैज़ और निफास। जो औरत मेंसेस में हो उस औरत का रोज़ा छोड़ना सिर्फ जायज़ ही नहीं ज़रूरी होता है। निफास कहते हैं बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है उसको निफास कहते हैं, हर महीने जो खून आता है उसको हैज़ कहते हैं, अरबी के अल्फाज हैं। तो हैज़ यानी मेंसेस, मेंसेस के दौरान और निफास के दौरान औरत को रोज़ा रखना जायज़ ही नहीं है, उसने ज़रूर रोज़ा छोड़ना होता है। यहाँ एक मसले की वजाहत ज़रूरी है कि अगर औरत ने रोज़ा रखा हुआ था दिन में और उसको मेंसेस आ गए तो इस औरत का रोज़ा खुद ब खुद टूट जाएगा, क्योंकि रोज़ा टूटा है लिहाजा अब खाने पीने की इजाज़त है।
वो अपने चुपके से छुप के खा पी सकती है। दूसरा ये है कि उसके मेंसेस चल रहे थे, वो रोज़ा नहीं रख रही थी, इसी दौरान दिन को वो पाक हो गई। मतलब रोज़ा नहीं रखा तो सुबह 9-10 बजे का टाइम था, उसने देखा कि मुझे पाकी हासिल हो गई है। तो ऐसी औरत फिर चूँकि अब पाकी हो गई है यानी रोज़ा रखने वाली हालत हो गई है, तो अब बाकी सारा दिन खाएगी पिएगी नहीं, रोज़ा नहीं होगा इसका। रोज़ा टूट गया यानी मेंसेस शुरू हो गए, बाकी जो दिन बचा हुआ है उसमें खाने पीने की इजाज़त है। मेंसेस के दिन चल रहे थे और फिर उसके बाद उसको पाकी हो गई है, अब जो दिन बचा हुआ है इस वक्त के अंदर वो खा पी नहीं सकती। अलबत्ता ये वाला दिन रोज़ा नहीं हुआ उसका, रोज़ा ये बाद में रखेगी। इसी तरह निफास का हुक्म है, जो दिन उसके नापाकी के होते निफास वाले उन दिनों में वो औरत रोज़ा नहीं रखेगी, ये रोज़े बाद में कज़ा करेगी लेकिन इन दिनों में नहीं रखेगी। नंबर 3, हामला औरत। हामला औरत को तब रोज़ा छोड़ने की इजाज़त होती है। अच्छा, उनसे पता करके देखें, वो अतीक भाई होंगे या वो तारे औरत। हामला औरत के बारे में हुक्म ये है कि अगर वो ये समझती है कि मैंने रोज़ा रखा तो मेरी जान को ख़तरा है या बच्चे की जान को ख़तरा है, अब ये तो कोई दीनदार डॉक्टर ही बताएगा। तो अगर कोई उसको माहिर दीनदार डॉक्टर बता देता है या ज़ाती उसका कोई पहले से तजर्बा है ऐसा कि हमल के साथ रोज़ा रखने से उसकी अपनी जान ख़तरे में पड़ जाती है या बच्चे की जान या उसको तकलीफ़ पहुँचती है गैर मामूली, बहुत ज़्यादा नुकसान का ख़तरा उसके जिस्म के लिहाज से, और उसको डॉक्टर कहता है कि तू रोज़ा ना रख, तो ऐसी सूरत में अगर उसको या उसके बच्चे को नुकसान पहुंचता है रोज़े की वजह से तो वो रोज़ा छोड़ सकती है, वो रोज़ा बाद में रखेगी जब वो इस काबिल हो जाए कि अब रोज़ा उसको नुकसान नहीं देगा, चाहे बच्चा पैदा होने के बाद या अभी हमल में नुकसान है लेकिन हमल कुछ महीने ज़्यादा का हो जाए फिर नुकसान नहीं होगा। अलगर्ज जिस वक्त उसको नुकसान नहीं होगा उस वक्त वो रोज़ा रखेगी, अभी रोज़ा छोड़ देगी। फिर दोहराता हूँ, हामला औरत अगर ये समझती है कि मेरे रोज़ा रखने की वजह से मुझे या अंदर बच्चे को नुकसान होगा और रोज़ा न रखने से नुकसान नहीं होगा तो वो रोज़ा छोड़ दे, बाद में जब नुकसान ना हो फिर रोज़ा रखे। चौथा, दूध पिलाने वाली औरत। यहाँ भी वही हुक्म है कि अगर औरत समझती है दूध पिलाने वाली जो छाती से बच्चे को दूध पिलाती है कि अगर मैंने रोज़ा रख लिया तो मेरा दूध खुश्क हो जाएगा और बच्चा और दूध लेता कोई नहीं, बच्चा सिर्फ में बाद बच्चे ये होते हैं कि वो माँ का ही दूध पीते हैं बस, बच्चे का और मुतबादिल कोई नहीं और इसके दूध पिलाने की वजह से अगर बच्चे को तकलीफ होती है, दूध खुश्क हो जाता है, दूध होता नहीं, तो फिर इस औरत को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। दोबारा आसान लफ्ज़ों में, वो दूध पिलाने वाली औरत जिस दूध पिलाने वाली औरत का बच्चा इस माँ के दूध के अलावा और कोई दूध नहीं पीता, और अगर ये औरत दूध पिलाने वाली रोज़ा रखती है तो इसके बच्चे को तकलीफ़ होती है इसके रोज़ा रखने की वजह से, ऐसी औरत रोज़ा छोड़ दे, इसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, ये अपने बाद में रोज़ा रखेगी। पांचवा, बीमारी। एक आदमी बीमार है, वो कहता है जी मैं रोज़ा नहीं रख सकता, मैं छोड़ना चाहता हूँ रोज़ा। अब वो कौन सी बीमारी है जिस पर वो रोज़ा छोड़ सकता है, वरना तो हर आदमी कहेगा मैं बीमार हूँ। आपको सच्चा वाक्य सुनाता हूँ, हमारे यहाँ सिनामा शहर में एक फ्रूट वाला है, तो उसके पास हमारा कुछ वाकफियत है तो मैं आता जाता रहता हूँ। तो मैं एक दिन गया तो उसने ना रोज़ा नहीं रखा हुआ था, तो मैंने कहा आपने रोज़ा नहीं रखा, कहने लगा मैं शरीयत में बीमार आदमी को इजाज़त है। मैंने कहा खैर करे क्या हुआ, कहा वो मैं सब्जी या फल काट रहा था तो उंगली पे छुरी लग गई तो इसलिए मैंने रोज़ा नहीं रखा, वो मैं पट्टी भी करी है डॉक्टर से। ये तो बीमारी नहीं है ना, बीमारी भी तो देखनी पड़ेगी ना, किस बीमारी से रोज़ा छोड़ना जायज़ है। वो बीमारी जिसमें तीन बातें हों उस आदमी को रोज़ा छोड़ने की, तीन कदम, तीन में से कोई एक बात, मैं अभी तीन बातें बताऊंगा, तीन बातों में से कोई एक बात हो तो इस आदमी को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। नंबर 1, बीमारी का बढ़ना। बीमारी का देर से ठीक होना, मौत का खतरा, ये तीन चीज़ें बीमारी, इन तीन में से कोई एक भी हो जाए तो उस आदमी को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। कोई भी बीमार हो, मसलन अगर वो समझता है कि वो समझता है मतलब उसका तजर्बा है
या किसी माहिर दीनदार डॉक्टर ने कहा है, ये अच्छे तरीके से याद रखें। इतना नहीं होगा कि मेरा ख्याल है मेरी बीमारी बढ़ जाएगी, ऐसे नहीं। उसको कोई डॉक्टर कहे, दीनदार डॉक्टर हो और उस फील्ड का माहिर हो या उसका सबका ऐसा तजर्बा हो चुका है, वो समझते हैं कि अगर मैं रोज़ा रखता हूँ तो जिस बीमारी में मैं हूँ मेरी ये बीमारी बढ़ जाएगी, अगर मैं अभी रोज़ा नहीं रखता इलाज करा लेता हूँ तो मेरी बीमारी ये ठीक हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। तो दूसरा, या बीमारी बढ़ेगी तो नहीं, अगर इलाज कराता हूँ तो बीमारी देर से ठीक होगी। देखो, एक बीमारी वो है कि जिसमें रोज़ा रखने से आपकी बीमारी बढ़ गई है, आप रोज़ा ना रखते बीमारी नहीं बढ़ती। डॉक्टर नहीं कहता कि आपने काम क्यों किया, अब तो बीमारी बढ़ गई है, अब आए हो हमारे पास, यानी आपने कोई ऐसा काम किया है जिससे बीमारी बढ़ गई है, पहले से ज़्यादा हो गई है। आपको कोई ऐसी तकलीफ है कि जिससे आप अगर रोज़ा रखें तो बीमारी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आप छोड़ दें रोज़ा, अपनी बीमारी को ना बड़ा होने दें, रोज़ा छोड़ें और अपना इलाज करवाएं। या ऐसी है कि आप इलाज ना भी करें, रोज़ा ना भी छोड़ें, बीमारी बढ़ेगी तो नहीं लेकिन वो बड़ी देर से जाके ठीक होगी। अगर आप रोज़े छोड़ दें तो अभी 2-4 दिनों में, हफ्ते में मसलन ठीक होती है। आप रोज़े रख रहे हैं साथ दवाई भी खा रहे हैं तो दवाई सही असर नहीं कर रही, जो बीमारी हफ्ते बाद ठीक होनी थी वो 15 दिन बाद जाके ठीक हुई है, तो भी इजाज़त है। आप बीमारी के देर से ठीक होने की वजह से छोड़ दें रोज़े, अपना इलाज कराएं, जल्दी से ठीक हो जाएं, बाकी जो दिन बच जाएं रोज़े रख लें, ये दिन जो छूटे हैं बीमारी वाले इनको बाद में कज़ा कर लेंगे। तीसरी बात तो बिल्कुल वाज़ह है, मौत का ख़तरा है। कोई ऐसी बीमारी है जिससे आप समझते हैं कि अगर मैंने रोज़ा रखा तो फौत होने का ख़तरा है, तो ऐसी बीमारी में आदमी फौरन कर सकता है, यानी रोज़ा छोड़ सकता है। कोई ऐसी बीमारी कि रोज़ा रखने से बीमारी बढ़ेगी, रोज़ा छोड़ दो बाद में रखना। ऐसी बीमारी, रोज़ा रखने से बीमारी देर से ठीक हो। ऐसी बीमारी, रोज़ा रखने से मौत का ख़तरा है, रोज़ा छोड़ दो। तो ये हो गया रोज़ा कब छोड़ना जायज़ होता है। ये घड़ी मैं दो लफ्ज़ों में दोहरा देता हूँ। नंबर एक, सफ़र की वजह से रोज़ा छोड़ सकते हैं, हैज़ और निफास वाली छोड़ सकती है, हामला औरत ख़ास सूरत में जब उसको या बच्चे को नुकसान पहुँचने का अंदेशा छोड़ सकती है, दूध पिलाने वाली औरत जो तशरीह मैंने अर्ज़ की है उसकी रोशनी में छोड़ सकती है, बीमारी इन तीन में से कोई एक चीज़ भी पाई जाए तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। दूसरा उनवान था हमारा, रोज़ा कब तोड़ना जायज़ है। रोज़ा तोड़ना, इसमें नंबर एक हैज़ और निफास, नंबर दो मौत, नंबर तीन बीमारी का बढ़ना। जिन सूरतों में आपने रोज़ा रखा हुआ है और आपने अपने रोज़ा तोड़ना है, हैज़ शुरू हो गया औरत को, उसका रोज़ा खुद ब खुद टूट जाएगा, अब उसका रोज़ा नहीं रहा, और निफास शुरू हो गया रोज़े के दौरान तो उसका रोज़ा टूट गया। दूसरा है कि रोज़ा रखा हुआ है, कोई ऐसी बीमारी हो गई, ऐसी तकलीफ़ हो गई, उसने समझा कि अगर मैंने रोज़ा न तोड़ा, अभी दवाई न पी तो मैं मर जाऊँगा, तो ऐसे मिसाल को सांप ने डस लिया और तो हालत गैर होना शुरू हो गई, डॉक्टर ने कहा कि इसको कोई शरबत पिलाओ, गोली खिलाओ, तो यहाँ तो मौत का ख़तरा है, फौरन रोज़ा तोड़े, रोज़ा तोड़े और अपनी जान बचाए, रोज़ा तोड़ना। तीसरा है बीमारी का बढ़ना, ऐसी तकलीफ़ हुई जिसमें इसने यह समझा कि रोज़ा रखा हुआ है, अगर तकलीफ़ होने के बाद अभी दवाई नहीं लेता तो बीमारी बढ़ जाएगी, तो फिर रोज़ा तोड़ सकता है। रोज़े के दौरान ऐसा बीमार हो गया कि अगर अभी दवाई नहीं पीता, अभी उसका इलाज में रोज़ा तोड़ना पड़ता है, रोज़ा तोड़ने वाला इलाज नहीं करता तो बीमारी बढ़ती है, फौरन उस बीमारी को कंट्रोल करे और रोज़ा तोड़ दे। तो ये तीन चीज़ें हो गई, हैज़ और निफास, मौत और बीमारी, ये होगा हमारा रोज़ा तोड़ना। और तीसरा है, ये बड़ा अहम उनवान है हमारा और इंशाल्लाह इसका फ़ायदा भी काफ़ी महसूस होगा आप हज़रात को, और बहुत सारी टेंशनों से भी आप हज़रात निकल आएंगे, कि बहुत सारी चीज़ों को हम ये समझते हैं कि इनसे रोज़ा टूट जाता है या ये रोज़े में नहीं करनी चाहिए, या आप पूछते हैं बाद दफ़ा जी इससे रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता,
मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, जिस फार्मूले से आप ख़ुद पहचान लिया करेंगे। तकरीबन 90% आपको किसी आलिम मुफ्ती से पूछने की नौबत नहीं आएगी कि रोज़ा इससे टूटा है या नहीं टूटा, रोज़े में ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से। नंबर 4 है, 3, रोज़ा टूटने की पहचान। पहचान का फार्मूला, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, बस वो एक मोटा सा फार्मूला है, उसी को याद रख लें। इन्नमल इफ्तारु मिम्मा दखला ला मिम्मा खरजा। ला मिम्मा खरजा, ये एक हदीस है, इसका तर्जमा कर दूँ। इफ्तार कहते हैं रोज़ा का टूटना। रोज़ा उस चीज़ से टूटता है जो चीज़ अंदर दाखिल होती है, ना कि उस चीज़ से जो चीज़ बाहर निकलती है। बस ये एक जुमला आप याद कर लें, इसकी मैं थोड़ी तशरीह कर देता हूँ, फिर आपको बिल्कुल पहचानना आसान होगा कि किस चीज़ से रोज़ा टूटता है और किससे नहीं टूटता। रोज़ा उस चीज़ से टूटता है जो चीज़ बदन में दाखिल होती है। देखो, हम खाना खाते हैं ना, चीज़ दाखिल हो रही है ना, हम पानी पीते हैं, रोज़ा टूट जाता है, चीज़ दाखिल हो रही है। तो चीज़ के निकलने से रोज़ा नहीं टूटता, बाहर निकल रही है। थूक हम बाहर फेंकते हैं, हमारे जिस्म से बाहर आई है। हम कदाए हाजत करते हैं, चीज़ के बाहर आने से रोज़ा नहीं टूटता, ये आसान सी चीज़ है। चीज़ के अंदर जाने से रोज़ा टूटता है, खाने से चीज़ अंदर गई है, पीने से चीज़ अंदर गई है तो रोज़ा टूटता है। तो ये एक आप लफ्ज़ याद रख लें कि चीज़ के अंदर जाने से रोज़ा टूटता है, चीज़ के बाहर आने से रोज़ा नहीं टूटता। अब अंदर जाने का क्या मतलब है? अंदर जाने का मतलब ये है वो कुदरती रास्ते जिनसे चीज़ अंदर जाती है, मसाम मुराद नहीं है। वैसे जब हम पानी से नहाते हैं तो पानी हमारे अंदर जाता है ना, पानी अंदर जाता है, जो पसीना हमारा कैसे निकलता है, हमारे जिस्मों में सुराख है छोटे छोटे, मसाम जिसको बोलते हैं, पसीना इसी सुराख से बाहर आता है ना। जब हम नहाते हैं तो हमें प्यास क्यों कम हो जाती है, क्योंकि वो जिस ठंडे पानी से हम नहा रहे होते हैं वो ठंडा पानी हमारे जिस्म से थोड़ा थोड़ा सिरायत करके वो अंदर पहुंच जाता है। वो जब अंदर पहुंचता है तो हमें अंदर ठंडक महसूस होती है, तो हमें थोड़ा सा रोज़े में रिलैक्स हो जाते हैं, इससे रोज़ा नहीं टूटता। हालांकि चीज़ तो अंदर गई है, अंदर गई है तो रोज़े में रिलैक्स हुए हैं। चीज़ अंदर जाए उन मारूफ रास्तों से, कुदरती रास्ते जो चीज़ को अंदर भेजने के हैं, वो दो चार रास्ते हैं, मुँह है, नाक है, और इंसान की पेशाब पखाने की जगह है। ये वो कुदरती रास्ते जिनसे कोई चीज़ इंसान के अंदर चली जाती है, पेट में अंदर। तो इनके अलावा किसी भी रास्ते से चीज़ अंदर जाए उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अब जगह खाने से मुंह से खाना जाता है ना, तो लिहाजा रोज़ा टूट जाएगा। नाक में आपने पानी डाला ज़ोर से, तो आपने कभी देखा होगा यहाँ तक जाके फिर क्या होता है, फिर अंदर हल्क से गुजर के नीचे आ जाता है, क्योंकि हमारा ये ना तिबी लिहाज से यहाँ रास्ता है, यहाँ ऊपर जाता है फिर वहाँ से जाकर फिर हलक से आके नीचे उतर जाता है। पेशाब पखाने के रास्ते से भी चीज़ अंदर आ जाती है। तो इन रास्तों से अगर कोई चीज़ अंदर जाएगी तो रोज़ा टूटेगा। इन रास्तों के अलावा किसी भी चीज़ से कोई भी चीज़ हमारे अंदर चली जाए रोज़ा नहीं टूटेगा। अब देखो बहुत सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। हमारा मशहूर है कि इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूट जाता है ना। इंजेक्शन तो लगाते हैं रग में, रग तो वो कुदरती रास्ता ही नहीं है जिससे कोई चीज़ अंदर जाए। तो बाज़ू ने आगे तशरीह भी बनाई हुई है जी, एक पट्ठे वाला इंजेक्शन होता है, एक रग वाला। पट्ठे वाले इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटता और रग वाले से टूट जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि पट्ठे में आप इंजेक्शन लगाएं या आप रग में लगाएं, पट्ठा और इंजेक्शन दोनों हमारे वो कुदरती रास्ते नहीं है जिनसे कोई चीज़ अंदर भेजी जाती है। कभी किसी ने खुराक ली है इधर से, कभी कोई नहीं लेता, ये मसाम है। आप जो रग में डालते तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा होके वो ऐसे सिरायत कर करके जाता है। जो पट्ठे में लगाते हैं वो भी ऐसे ही जाता है। ये ऐसे जैसे हम नहाते हुए पानी लेते हैं, चीज़ अंदर जाती है। लिहाजा इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटता, चाहे वो रग का हो चाहे वो पट्ठे का हो। ड्रिप लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि ड्रिप लगाने से बराह रास्त उन रास्तों से नहीं जा रही चीज़ जो रास्ते बनाए इसलिए गए हैं। अब देखें, सर पर तेल लगाया ज़ोर से मसला, तो अंदर दिमाग में तेल उतरते हुए महसूस होता है ना, रगड़ा लगवाओ,
तो वो रोज़ा नहीं टूटता तेल लगाने से, क्योंकि दिमाग के ऊपर कोई ऐसा सुराख नहीं है कुदरती रास्ता जिससे चीज़ हम अंदर ले जाते हों। वो रगड़ने से ना मसाम से गुजर गुजर कर अंदर जा रहा होता है, लिहाजा रोज़ा नहीं टूटता। हम आँख में सुरमा डालें या दवाई डालें, हमें कड़वाहट महसूस होती है अंदर दवाई की, लेकिन आँख से अंदर कोई ऐसा रास्ता नहीं है जैसे चीज़ अंदर चली जाए। एक है बिल्कुल छोटा सा, उसको बोलते हैं नोदो लैक्रिमल डक्ट, लेकिन वो इतना पतला है जैसे मसाम हो, उसको निशुमार किया जाता, तो वो मसाम की तरह ही है। तो इसलिए आँख के अंदर दवाई डालो तो कोई रास्ता ही नहीं अंदर जाने का बड़ा, तो रोज़ा नहीं टूटता। सर पे मेहंदी लगाएं औरतें, रोज़ा नहीं टूटता। यहाँ तक औरतें पूछती हैं जी लिपस्टिक लगाने से रोज़ा टूटता है कि नहीं टूटता, आप मुझे बताएं लिपस्टिक लगाने से अंदर कोई चीज़ जा रही है? कुछ नहीं जा रही, रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा, दूसरा बाद दफा लोग ये पूछते हैं कि जी हम ब्लड दे सकते हैं रोज़े में या ब्लड ले सकते हैं? एक आदमी मसलन अपना खून निकलवाता है बोतल में रोज़े के दौरान, दूसरे मरीज़ को लग रहा होता है, ये मसला भी बहुत पूछते हैं, इसका जवाब आपको भी आ गया होगा कि वो जो खून निकाला है, तो मैंने अर्ज़ किया था कि निकलने से रोज़ा नहीं टूटता, कोई चीज़ बाहर निकले इससे रोज़ा नहीं टूटता, खून तो बाहर निकला है, जिसको लगाया है उसके कुदरती रास्तों से अंदर नहीं गया, वो ड्रिप के ज़रिए से गया है, गैर कुदरती रास्तों से गया है, लिहाजा ब्लड देने से ब्लड लेने से इससे रोज़ा बिल्कुल नहीं टूटता। तो इस तरह आप बहुत सारी चीज़ें और भी निकाल सकते हैं जिसमें आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह ये जो कान है, कान में दवाई डालें तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। पहले जो हमारी कदीम किताबें हैं उनमें तो यही लिखा हुआ है कि रोज़ा टूट जाता है, उसकी वजह यह कि उस तिब ने इतनी तरक्की नहीं की थी, ये समझा जाता था कि अंदर कोई रास्ता है शायद, लेकिन मसले का दारो मदार तो इस पर था ना हदीस पर, इन्नमल इफ्तारु मिम्मा दखला, कोई चीज़ अंदर बड़े रास्ते से जाए। जदीद साइंस की तरक्की से पता चल गया कि अंदर कोई रास्ता नहीं है हमारा, आखिर में तीन नरम हड्डियाँ वहाँ बंद हो जाता है, लिहाजा कान में दवाई डालने से रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि यहाँ से कोई चीज़ हमारे अंदर नहीं जागी। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो लोग आपसे पूछेंगे, आप उनको बता सकेंगे। मैंने कहा इतना तक पूछते हैं कि लिपस्टिक लगाने से टूटता है, सर पे मेहंदी लगाने से टूटता है, सर हाथ पे मेहंदी लगाने से टूटता है कि नहीं टूटता, सुरमा लगाने से टूटता है कि नहीं टूटता, क्योंकि सुरमा लगाने से कौन सी चीज़ हमारे अंदर जा रही है, इससे कुछ नहीं होता। ये सारे मसले आप खुद भी बता सकते हैं, कभी अंदर कुदरती रास्ते से तो कोई चीज़ जा नहीं रही, लिहाजा इन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि रोज़ा टूटता है दाखिल उन चीज़ से ना कि खारिज होने, जबकि खारिज होने वाली चीज़ से रोज़ा नहीं टूटता, ब्लड से रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह उल्टी का मसला है, उल्टी खुद ब खुद हमारे मशहूर है कि उल्टी आने से रोज़ा टूट जाता है, उल्टी खुद ब खुद जो आ जाए उसमें इंसान बेबस है, मजबूर चीज़ों पर हुक्म नहीं लगाया जाता। एक आदमी ने सारा दिन रोज़ा रखा, उसको असर के टाइम उल्टी आ गई, उसका रोज़ा ख़त्म हो गया, उसका तो इसमें कोई दखल अमल नहीं है। लिहाजा जो उल्टी खुद ब खुद है, चाहे थोड़ी हो चाहे अच्छी खासी हो, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। जो उल्टी इंसान जानबूझ कर करे, मतलब पेट में कोई चीज़ चली गई, डॉक्टर ने कहा उल्टी करो इसको, फिर उसकी उल्टी करवाई गई, खुद उल्टी करवाई गई और मुंह भर कर थी, तो उससे रोज़ा टूटता है। तो ये मसला भी याद रख लें, खुद ब खुद जो उल्टी आए, हमारी सारी उल्टियाँ खुद ब खुद ही होती हैं, कौन सा आदमी अस्पताल में दाखिल होता है और डॉक्टर उसको उल्टी करवा रहा होता है, लिहाजा उल्टी के आने से थोड़ी हो ज़्यादा हो रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, कोई खुद ही उल्टी करवा रहा हो और ज़्यादा मिकदार में उल्टी करवाए तो फिर उससे रोज़ा टूटता है। उम्मीद है ये मसला वाज़ह हो गया होगा। इसमें इंजेक्शन भी आ गया, सुरमा भी आ गया, कान की दवाई भी आ गई, आँख में दवाई डालना भी आ गई। अच्छा, यहाँ से अब देखें, इन्हेलर जो इस्तेमाल करते हैं दमे के मरीज, तो वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं इन्हेलर, ये मुँह से या नाक से? मुँह से। वो इन्हेलर में दवाई होती है जो उसको अंदर लेता है, तो चूंकि वो मुंह से अंदर ले रहा है ना, तो इसलिए रोज़ा टूट जाएगा। अगर वो मुंह से ना लेता, नाक से लेता तो भी टूट जाता, क्योंकि नाक से भी अंदर रास्ता है। हाँ, उसको कोई इंजेक्शन लगाते फिर ना टूटता। एक दवाई होती है जो दिल के मरीज़ रखते हैं, मुझे उसका नाम नहीं आता, अनजाइना, एंजेसिड बंद क्या, अच्छा नाम डॉक्टर साहब बताएंगे आपको, तो वो इंजेसिड में कह रहे हैं, वो जो दवाई है ना वो यहाँ रखते हैं ज़बान के नीचे। अब देखिए, इसमें भी आप अगर आपसे कोई पूछता है कि वो दवाई हम ज़बान के नीचे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, उसका दारो मदार इस पर है कि वो आपके हल्क के अंदर जा रही है कि नहीं जा रही। अगर तो वो यहीं यहाँ से ऊपर जबड़ों में मसाम के अंदर हरकत करते हो, सिरायत करते हुए अंदर चली गई जिस्म में और आपके हल्क से नीचे नहीं उतरी, रोज़ा नहीं टूटा। और अगर आपके उसके ज़र्रात हल्क से गुजर गए फिर टूट गया, क्योंकि बहुत नाजुक मामला है इसलिए नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन मसले के लिहाज से लिखा हुआ ही है।
अगर किसी आदमी ने इतनी एहतियात से यहाँ रखी कि उसका एक ज़रा भी हल्क से नहीं गुजरने दिया, थूक देता था, बस इधर जो सिरायत कर कर के ऊपर जबड़ों के ज़रिए से जा रही थी वो ठीक है, क्योंकि हल्क से नहीं गुजरी। तो जब चीज़ हल्क से ना गुजरे तो रोज़ा नहीं टूटता। मिसाल के तौर पर आपने खाने को चखा है, खाना चखने से खाना अंदर तो नहीं गया, रोज़ा नहीं टूटा। आपने कोई मीठी चीज़ चखी है, चखने के बाद थूक दिए, वो आपके अंदर तो नहीं गई ना, अंदर जाएगी तो रोज़ा टूटेगा। मुंह के अंदर तुम कुली में पानी ले नहीं जाते। असल तो है कि हल्क, ये जो गला है, यहाँ से चीज़ नीचे उतरे, यहाँ जाए, इसको लगे, तो मुंह के अंदर आपने चख के बाहर फेंक दी है तो इससे रोज़ा टूटा नहीं है, बिल्कुल नहीं टूटा। तो ये भी एक तरीका हो गया पहचानने का कि रोज़ा किस से टूटता और किस चीज़ से नहीं टूटता। अगला चौथा नान है सेहरी और इफ्तारी के मसाइल। सेहरी और इफ्तारी, इसमें तो बिल्कुल आसान है। सेहरी में जो बुनियादी बात है कि सेहरी में ताखीर से सेहरी करना सुन्नत है। ताखीर से सेहरी करना यानी देर से सेहरी खाना, इतनी देर से ना हो कि अजानों का टाइम हो जाए, लेकिन अगर मसलन टाइम 4:40 का है तो आदमी 4:30-4:35 तक फारिग हो जाए। यह नहीं है कि रात को 2 बजे खा के सो गया, रात को सोते हुए खा के सो गया। सेहरी के टाइम देर तक आदमी सेहरी से फारिग हो, ये सुन्नत है। इफ्तारी में सुन्नत ये है कि आदमी जल्दी इफ्तारी करे। जल्दी का मतलब भी सूरज तसल्ली से गुरूब हो चुका हो, टाइम हो चुका हो, उसके बाद फिर बिलावजह देर ना करे। ये एक बुनियादी चीज़ है। लेकिन इसमें एक दो मसले और हैं जिसमें हमारे लोग गलतफहमी का शिकार हैं। वो ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि सेहरी के टाइम सुबह खाना खा के ना दुआ पढ़ ली, वाबी सौमी गदिन नवाई तुम इन शहरी रमदान, भाई उसके बाद खाना पीना मना है, ये गलत है। सेहरी किसको कहते हैं? सेहरी कहते हैं मसलन हमारे अगर आज का टाइम 4:30 है, तो 4:30 सेहरी का टाइम है, आप भला 10 दफ़ा पहले नियत कर लें, 4:30 पे आप खा सकते हैं, इसलिए कि 4:30 तक आपको इख्तियार है, आपके खाने का टाइम है, 4:30 के बाद शरीयत ने मना किया है। लिहाजा नियत करने ना करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल में नियत के हमें अल्फाज का तर्जमा नहीं आता। वह भी सौमी गदिन नवैतु का मतलब ये है मैंने कल के रोज़े की नियत की, कल का रोज़ा तो शुरू होगा 4:30 पर, लिहाजा आप 4:30 तक 10 दफ़ा भी नियत पढ़ लें तो कोई फ़र्क नहीं, चूँकि नियत के लफ्ज़ ये हैं कि कल के रोज़े की नियत की, और कल शुरू होगा 4:30 से, आप उससे पहले खा सकते हैं। एक ज़रूरी मसला है वो ये है कि एक आदमी की सुबह जागी देर से आई, अब वो रोज़ा रखना चाहता है, खाया पिया कुछ नहीं है, ये तो मसला मालूम है, सबको मारूफ है कि एक आदमी खाली पेट भी रोज़ा रखना चाहे तो रख सकता है, लेकिन कब तक नियत कर सकता है? कभी ये होता है कि दिन कोई आदमी डामाडोल रहता है, सेहरी के बाद से लेकर खाया कुछ नहीं, मैं देखूंगा तबीयत साथ देती है नहीं देती, अब वो कितने बजे तक नियत कर सकता है? ये इसका भी मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ कि कितने बजे तक नियत हो सकती है रोज़ा रखने की। एक आदमी की सुबह जागी देर से आई, ये मसला भी बहुत पूछते हैं, कोई 9-10 बजे फ़ोन पूछ रहा होता है जी मैं अब नियत कर सकता हूँ, नियत कर सकता हूँ। आसान सा बताता हूँ, सुबह सादिक का टाइम देखो, सुबह सादिक सेहरी का टाइम, सेहरी का टाइम मसलन है 4:30। अब आप टाइम देखें इफ्तारी का, इफ्तारी का टाइम है 6 बजे, ये मैंने सेहरी का टाइम लिखा है, तुलू आफ्ताब नहीं लिखा, सूरज तुलू होने का टाइम नहीं लिखा। सेहरी के टाइम से लेकर इफ्तारी का टाइम टोटल कितने घंटे होगा? ये 14 घंटे ना, ये हमारे पास 14 घंटे हो गए, 14 × 2 = 7, ठीक। इस 7 को आप इसमें जमा करें, इसमें जमा करें तो ये कितना हो गया? 11:30। 11:30 बजे तक, 11:29 तक आप रोज़े की नियत कर सकते हैं। ये आपका फार्मूला सर्दी गर्मी में सारी ज़िंदगी में काम आएगा। मैं इसको दोहराता हूँ, सेहरी का टाइम, आगे इफ्तारी का टाइम, आप ये कुल टाइम देखें, जितना मसलन 14:20 बनता है तो इसका आधा बनेगा 7:10। अब वो 7:10 इसमें जमा कर, मसलन इधर वो ऊंट पटांग मिनट है, 4:29 हैं, 6:37 हैं, तो आप उसको टोटल करें, उस टोटल को 2 पे तकसीम करें, जो आपको जवाब मिले वो जवाब आप इसमें जमा कर दें, जमा करने के बाद जितना टाइम बने उस दिन आप उस वक्त तक नियत कर सकते हैं। आसान हो गया ना ये, तो इसमें बड़ा आसान है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, कोई आपसे पूछे 20 आदमी के लिए आप मुफ्ती बने हुए हैं, आपको जी मैं आपको बता दूंगा कि कब तक रोज़े की नियत कर सकते हैं। हम भी ये फार्मूले पढ़ के बैठे होते हैं, वो सारा हम आपको बता रहे हैं, तो अब ऐसे तो नहीं होता एक एक चीज़ हमारे पर लिखी हुई, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ किताबों में 8:25 तक रोज़े की नियत कर सकते हैं, आज 7:53 तक कर सकते हैं, बस एक फार्मूला है, उस फार्मूले के तहत हम उस दिन देख लेते हैं
भी आज शहरी इफ्तारी क्या है, फिर हम उसको बता देते हैं जी ठीक है आप नियत कर सकते हैं या नियत नहीं कर सकते। और ये शहरी इफ्तारी के मसले। आखिरी है मरीजों के रोज़े के अहकाम, मरीजों के रोज़े के अहकाम। ये फार्मूला समझ आ गया, शहरी और इफ्तारी का टोटल टाइम दरमियान का उसको दो पे तकसीम करें, जो जवाब है उसको शहरी में जमा कर दें, शहरी में जमा करने के बाद जो टाइम निकले बस उस टाइम तक, उसे एक मिनट पहले तक आप नियत कर सकते हैं, आपका रोज़ा ठीक हो जाएगा। हाँ जवाल से ना आधा पौना घंटा पहले निकलता है तकरीबन। हाँ अच्छा, ये भी एक अंदाज़ा है, ये जो जवाल का टाइम होता है ना उससे तकरीबन पौना घंटा पहले बनता है, ये एक रफ सा अंदाज़ा है। अच्छा हमारा पाँचवा है मरीजों के अहकाम, अहकाम। इसमें आम तौर पर जो हमारे यहाँ मर्ज़ आम है वो तो ये बुखार नज़ला ज़ुकाम ही है। इस मरीज़ के लिए तो मैंने हुक्म बता दिया कि इंजेक्शन लगवा सकता है, ड्रिप लगवा सकता है, और इंजेक्शन हर किस्म में लगवा सकता है, सिरप नहीं पी सकता। हाँ अगर इतना बीमार हो गया जो मैंने आपको बताया है कि वो समझता है कि मेरी मौत का ख़तरा है, बीमारी बढ़ जाने का ख़तरा है, तो फिर चाहे रोज़ा तोड़ दे, वरना रोज़ा ना तोड़े, इंजेक्शन ड्रिप से काम लगा ले। दूसरे हमारे यहाँ ज़्यादा मरीज़ होते हैं शुगर के, शुगर वाले मरीज़ की कभी शुगर अप हो रही है, कभी लो हो रही है, तो उसकी वजह से उसको ज़रूरत पड़ रही होती है इंसुलिन लगाने की। इंसुलिन चूँकि वही इंजेक्शन की तरह एक चीज़ है, वो जिस्म के हिस्से में लगती है और मसाम से सिरायत करते हुए अंदर जाती है, लिहाजा इंसुलिन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह अगर उसको कोई और इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ कुछ शुगर वाला ऐसा बीमार हो गया कि डॉक्टर ने कहा इंसुलिन इंजेक्शन ड्रिप का काम नहीं है, अब इसको कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा वरना जान खतरे में है, ये बीमारी बढ़ जाएगी, फिर वो रोज़ा तोड़ दे। तीसरे हमारे यहाँ मरीज़ आमतौर पर जो मसला पूछा जाता है वो दमे के मरीज़ हैं जो इन्हेलर इस्तेमाल करते हैं। इन्हेलर मैंने पहले बताया वो ऐसी दवाई है जो मुँह के रास्ते से अंदर ले जाते हैं, चूँकि मुँह के रास्ते से जा रही है तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। उसको देखा जाएगा अगर दमे का मर्ज इतना सख्त मर्ज हो चुका है उसका कि अगर वो नहीं इन्हेलर इस्तेमाल करता फौत हो जाएगा या बीमारी बढ़ जाएगी, तो वो रोज़ा तोड़ दे और इन्हेलर इस्तेमाल कर ले, वरना फिर इंजेक्शन वगैरह से काम चलाने की कोशिश करे। इसी तरह एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट के बाद भी देखा जाए रोज़े की हालत में आदमी था, अगर तो छोटी मोटी चोटें लगी हैं जो इंजेक्शन वगैरह से कवर हो सकती हैं तो फिर उसको रोज़े तक टाइम उसका पूरा कराया जाए, लेकिन ऐसा एक्सीडेंट हो गया है कि डॉक्टर समझते हैं कि नहीं इसको कोई चीज़ पिलानी या इसको कोई चीज़ खिलानी ज़रूरी है, तो फिर तो उसका रोज़ा तोड़वाया जाएगा। बस ये हमारे अहम मसाइल थे, बाकी मैंने कहा था कुछ अहम मसाइल भी बताऊँगा, इसके अलावा आखिर में लिखा हुआ था कुछ अहम मसाइल। कुछ अहम मसाइल में एक फ़िदिया का मसला है कि जो आदमी इतना बीमार हो कि डॉक्टर उसको कह दे कि तू ज़िंदगी भर रोज़ा नहीं रख सकता, या ऐसा बूढ़ा आदमी है कि वो ज़िंदगी भर रोज़ा नहीं रख सकता, उस आदमी के लिए ये है कि वो रोज़े का फ़िदिया दे दे। और फ़ी रोज़े का फ़िदिया 2.25 किलो गंदम या उसकी कीमत है, फ़ी रोज़े का फ़िदिया 2.25 किलो गंदम या उसकी कीमत। एक आदमी बूढ़ा है उसको पता है मैं रोज़े नहीं रख सकता, तो वो 2.25 किलो गंदम के पैसे किसी गरीब को दे दे फ़ी रोज़े के, और अगर फौत होने लगे तो वसीयत करके जाए कि भाई मेरे इतने रोज़े बाकी थे फ़िदिया दे देना, उसके पीछे जितने माल हैं उसका जो तरक्का है उसके 1/3 इसमें से वसीयत पूरी की जाएगी। मसलन उसके रोज़ों के पैसे बनते हैं 1,00,000 रुपये और उसने जो कुल जायदाद छोड़ी है वो छोड़ी है 2,00,000, तो 2,00,000 का जो 1/3 है वो तो कुछ 66,000 बनेगा, कितना इतना बनेगा, और ये तो 1,00,000 रुपये के उसके बन रहे हैं, तो लिहाजा 66,000 तक इसके हम वसीयत पूरी करेंगे ऊपर वाली। अगर वारसा अपनी खुशी से करना चाहें तो कर दें, अगर कोई खुशी से ना देना चाहे ऊपर वाले पैसे तो उस पर लाजिम नहीं है। तो ये फ़िदिये का एक मसला था। इसी तरह बाद दफ़ा रोज़ा टूट जाता है, रोज़ा अगर तो जानबूझ कर तोड़ा है तो फिर उसका कफ़ारा होता है, और इसमें कुछ तफ़सील है, किसी का टूटे तो वह बाद में पूछ ले, लेकिन जो अहम अहम मसाइल थे जिन उनवानात को हमने लिखा था वो हमारी तरफ से पूरे हो चुके हैं। अब किसी साहब की तरफ से कोई सवाल हो मुझे उसका जवाब आएगा, मुझे कोई दावा नहीं है हर सवाल के जवाब का, क्योंकि मेरा लफ्ज़ ऐसे था ना किसी का कोई सवाल हो मुझे आएगा तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, नहीं आएगा तो मैं फिर बता दूंगा आपको, लेकिन उम्मीद है मुझे आएगा, अल्लाह ताला तौफीक दे। इसकी हालत में आपने कहा इंजेक्शन लगवाना, ये वहाँ जा रही है बात, मस्तूरात में तो भी था, उनका भी तो था, उसको तो मेरे ख्याल हमने लगाया ही नहीं, या इसी से जाती है? हाँ जी इसी से जाती है।
चलिए, अगर मस्तूरात बैठी हैं और उनका कोई सवाल है, पर्ची पर लिखकर मस्जिद के अंदर भिजवा दें। हाँ जी, किसी को सवाल है तो ठीक है, नहीं तो फिर दुआ करा देते हैं। जी हाँ, जी हाँ, वो मसला सामने आ गया। अगर औरत खाना पका रही है, टेस्ट चेक कर रही है, चूँकि हल्क से अंदर नहीं जा रहा तो वो करेगी तो रोज़ा टूटेगा नहीं, लेकिन लिखा है कि नापसंदीदा है, रोज़ा टूटता नहीं, नापसंदीदा है। अच्छा, आगे ये भी लिखा हुआ है, अगर शोहर बदमिजाज हो और वो समझे कि नाक में दम कर देगा अगर खाना थोड़ा ऊपर नीचे आया, उस बेचारी के लिए जायज़ है, मकरूह भी नहीं है। टूटेगा तो किसी का नहीं, अगर किसी औरत का शोहर ऐसा ना हो तो उसके लिए ऐसा करना मकरूह है, नापसंदीदा है। लेकिन जिसका शोहर बदमिजाज हो तो उसकी मकरूह का जो है ना गुनाह शोहर के खाते में जाएगा और औरत को गुनाह नहीं होगा। अब ये हमारी बीवी और हम आपस में देखें क्या हिसाब किताब है। जी हाँ, ये फरमा रहे हैं कि सफ़र के दौरान रोज़ा ना रखने की हमें इजाज़त है, लेकिन अगर कोई हिम्मत रखता है, कोई मुशक्क़त नहीं महसूस कर रहा, तो उसमें हुक्म ये है कि अगर आदमी ये समझता है कि अगर मैं रोज़ा रखूँ मेरे साथियों को भी मेरी वजह से तकलीफ़ नहीं होगी, मैं भी किसी तकलीफ़ में नहीं पड़ूँगा, फिर रोज़ा रख लेना बेहतर है, बेहतर है, ज़रूरी नहीं है। और अगर वो समझता है कि मेरा रोज़ा रखने से मेरे साथियों को तकलीफ़ होगी किसी लिहाज से भी, कि हर जगह वो मैं उनके लिए कोई परेशानी बनूँगा, कोई ऐसी जगह पेश आ गई है, तो फिर भी ना रखे। अगर कोई रख ले तो रोज़ा अदा हो जाएगा, ना रखे तो इजाज़त है। बस उसको इख्तियार है, रखना चाहे रखे, ना रखना चाहे ना रखे। हाँ, खून के बहने से रोज़ा टूटेगा कि नहीं टूटेगा? हाँ भाई, ये तो आप बताएं, यहाँ ज़ख़म कट लग गया और खून बह गया, क्योंकि चीज़ बाहर निकल रही है ना, तो बाहर निकलने से तो रोज़ा नहीं टूटता, लिहाजा खून निकलने से रोज़ा नहीं टूटेगा, चाहे जितना भी निकल जाए। अच्छा, जो ये आपने सफ़र का रोज़ा बताया कि वो इख्तियार है, रखना चाहे रख सकता है, लेकिन जो सफ़र की नमाज है जहाँ कसर पढ़ते हैं, उसका तो हुक्म है कि कसर ही पढ़े आप, उसको पढ़ना पड़े, अदा ना पड़े, कसर पढ़े, तो रोज़े में ऐसा हुक्म नहीं है? नहीं, ज़रूरी है। रोज़े और नमाज में फ़र्क है, सफ़र के अंदर नमाज का कसर पढ़ना ज़रूरी होता है, पूरी नहीं पढ़ सकते। रोज़े के अंदर ऐसा नहीं है, रोज़े के अंदर इख्तियार है, आप चाहें रखें, आप चाहें ना रखें, जैसे आप करना चाहें। दूसरा बताया था कि जो दूध पिलाने वाली औरत है, अगर उसको है खदशा कि उसका जो बच्चा है वो बीमार हो जाएगा, वो तो रोज़ा, वो दूध पिलाने रोज़ा छोड़ सकती है, और जब वो छोड़ेगी तो बाद में अदा करेगी। अब जो रज़ाई, जो रज़ात का पीरियड है वो बच्चों के लिए 2 साल के करीब है, तो अब वो 2 साल के बाद फिर उसका वो अदा करेगी? नहीं नहीं, वो ऐसा करेगी ना कि बाद दफ़ा ऐसा हो जाएगा, अगर तो बिलफर्ज़ दरमियान में मौसम ठीक हो गया, जैसे सर्दियाँ हैं, सर्दी में वो समझती है कि दिन भी छोटे होते हैं, दूध खुश्क नहीं होता, तो फिर वो उसमें कर लेगी। या बच्चा इतना बड़ा हो गया है 6 महीने बाद, साल बाद, कि अब वो दूसरी खुराक भी ले लेता है, तो उस तरह करेगी। लेकिन अगर 2 साल ही ऐसी सूरत हाल रही कि बच्चा बिल्कुल जुदा नहीं होता और उसके रोज़ा रखने से सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, बच्चा बीमार हो जाता है और बच्चे को नुकसान होता है, तो फिर ठीक है, इंतज़ार करेगी जब तक बच्चा 2 साल का ना हो जाए। तीसरा, आपने बताया कि जो लिपस्टिक का मसला बताया था ख्वातीन के लिए कि उससे रोज़ा नहीं टूटता क्योंकि वो अंदर नहीं जाएगी, लेकिन उसमें ये खदशा तो है ना कि वो ज़ुबान अगर उस पर लगेगी, उसका जो टेस्ट है वो बाद में थूक के जरिए अंदर वो चला जाएगा, हलक के नीचे उतर जाएगा, तो उस सूरत में रोज़ा टूट नहीं जाएगा? नहीं, अगर उसकी कोई चीज़ ऐसी है कि ज़ुबान को लगी पर हलक से भी गुजर गई, मेरे ख्याल में इतनी लिपस्टिक की मकदार नहीं होती कि वो ज़बान को लगकर हलक से भी उतर जाए। अगर किसी की इतनी मकदार है और हलक से उतर गई, फिर तो टूटेगा। आम हालात में अगर उसकी ज़बान को लग गया और वो थूक दिया उसने, कोई हर्ज नहीं, जैसे हम कोई चीज़ चख के थूक देते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेबलाइज़र में अगर तो उसके अंदर कोई दवाई डाली हुई है, दवाई होती है ना, तो चूँकि वो दवाई ही अंदर जा रही होती है ना और वो नाक के रास्ते से जा रही होती है, हाँ, तो इसलिए वो उससे रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि नाक का हमारा कुदरती रास्ता है बड़ा, जिस चीज़ अंदर डाली जाती है, नाक के रास्ते से वो दवाई उबर गई भाप के ज़रिए से, यानी भाप तो कोई ऐसी चीज़ हो या ना हो, लेकिन उसके अंदर दवाई यहाँ से ऊपर गई, ऊपर से फिर हमारे अंदर आई, रोज़ा टूट गया। जी, सूंघने से, हाँ, अगर कोई चीज़ सूंघी है, जैसे खुशबू सूंघते हैं, उस चीज़ के सूंघने से चीज़ यहाँ से गुजर के अंदर नहीं गई, सिर्फ खुशबू ही गई है, चीज़ अंदर नहीं गई, तो उससे रोज़ा नहीं टूटा। जी सर, अगर किसी ऐसी तकलीफ़ में इंजेक्शन एक की बजाय ज़्यादा मकदार में लगते हैं, उसकी क्या कंडीशन? हाँ, चूँकि जितने इंजेक्शन भी लगाएंगे, जितनी ड्रिपें भी, चूँकि वो बाहर के रास्ते से जा रहे हैं, हमारे कुदरती बड़े रास्तों से अंदर चीज़ नहीं जा रही, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो मुँह में थूक आती है, कोई आदमी जान बूझ कर भी थूक निगल ले, तो भी रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि वो अंदर की चीज़ अंदर ही चली गई है,
اسی طرح جو الٹی آئی یہ بھی ضروری مسئلہ تھا چلا گیا. بعض دفعہ الٹی خود بخود آتی ہے, خود بخود ہی واپس چلی جاتی ہے, اور ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ منہ کے اندر آئی اور پھر واپس گئی, یعنی ایسے صاف محسوس ہوتا ہے, تو بھی روزہ نہیں ٹوٹا, آدمی اس میں بے بس ہے, خود آئی اور خود ہی واپس چلے گی. حتیٰ کہ یہ بھی لکھا ہے ولو کان مل الفمی, حتیٰ کہ منہ بھر کر ہی ہو الٹی آئی اور اچھی خاصی آئی اور خود ہی واپس چلی گئی, ہمیں صاف نظر آیا کہ منہ میں آ چکی تھی اور پھر واپس گئی ہے, تو بھی نہیں ٹوٹی. ہاں ہم خود اگر آدمی اندر پھر لوٹا لے وہ علیحدہ مسئلہ, لیکن جو اس کا منہ میں ذرات رہے تھے جی, کتنے دن تک مسافر رہتے ہیں, چونکہ مسافرت ایک علیحدہ مستقل ٹاپک ہے. اگر آدمی یہاں سے لاہور گیا ہے جو مثال ہم نے ذکر کی, وہاں اگر 15 دن سے کم کم عرصہ ٹھہرا ہے تو وہ مسافر ہے, اگر وہاں 15 دن یا 15 سے زیادہ دن ٹھہر گیا تو پھر وہ مسافر ختم ہو گیا. ویسے اہم سوال ہے, بعض دفعہ آدمی رشتہ داروں کے گھر چلا گیا, مثلا کراچی چلا گیا, لیکن وہاں نیت ہی کر کے گیا کہ میں نے وہاں 15 دن سے زیادہ رہنا ہے, تو جاتے ہی مسافر ختم ہو جائے گا. یہاں سے لے کر کراچی تک تو مسافر ہوگا راستے میں, لیکن وہاں کراچی پہنچتے ہی مسافر ختم ہو جائے گا. اگر وہ سمجھتا ہے میں نے 15 دن سے وہاں کم رہنا ہے, پھر وہاں 10 دن بھی رہے تو مسافر ہی ہے, اس کو روزہ چھوڑنے رکھنے دونوں کی اجازت ہوگی. کن صورتوں میں؟ ہاں یہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ روزہ جو ٹوٹتا ہے اس میں قضاء آئے گی یا کفارہ آئے گا. مثلا ایک آدمی نے کھانا کھایا ہے, روزہ ٹوٹ گیا نا, ایک آدمی نے دوائی لی ہے, تو اس سے قضاء آئے گی یا کفارہ آئے گا؟ بعض دفعہ قضاء آتی ہے اور بعض دفعہ کفارہ آتا ہے. اس کو میں موٹا سا یوں بیان کر سکتا ہوں, جو چیز دوا اور غذا دونوں میں استعمال ہو اس کا تو قضاء کفارہ دونوں آئے گا. جو چیز دوا اور غذا, آپ کفارے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ پہلے میں کفارہ بتا دوں, جب انسان کا روزہ ٹوٹتا ہے اس کے بدلے میں قضاء دو, یعنی اس کے بدلے میں ایک روزہ اور رکھنا, اس کے بدلے میں کفارہ بھی دو, یعنی اس کے لیے 60 روزے بھی رکھنا, ٹوٹل 61 ہو گئے. ایک آدمی نے جان بوجھ کر روزے میں پانی پی لیا بغیر وجہ کے, روزہ اس نے توڑا, اس آدمی پر قضاء بھی ہے کفارہ بھی ہے. قضاء کا مطلب ایک روزہ رکھے گا, کفارہ کا مطلب 60 اور مسلسل رکھے گا, یہ 61 روزے ہو گئے. تو یہ ہر دفعہ روزہ ٹوٹنے سے قضاء اور کفارہ نہیں آتے, بعض دفعہ قضاء آتی ہے, بعض دفعہ قضاء کفارہ دونوں آتے ہیں. کب قضاء اور کفارہ دونوں آتے ہیں؟ کب صرف قضاء آتی ہے؟ جب آدمی ایسا تھا کہ شریعت نے اس کو روزہ توڑنے کی اجازت دی تھی, جب یہ جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ ان حالت میں آپ روزہ توڑ سکتے ہیں, آپ کو سانپ نے ڈس لیا اور سانپ نے ڈسنے کے بعد حالت غیر ہوگی, شربت سیرپ پینا ضروری ہو گیا, اب آپ نے جان بوجھ کے پیا ہے, لیکن شریعت نے روزہ توڑنے کی اجازت دی تھی, اب آپ پر صرف قضاء ہے, یعنی اس کے بدلے میں صرف ایک روزہ اور رکھیں گے, اضافی 60 روزے کفارے والے نہیں رکھیں گے, یہ قضاء ہے. کفارہ وہی جو خود جان بوجھ کے بلا وجہ کھا لیا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جان بوجھ کے ہی روزہ توڑتا ہے لیکن قضاء ہی آتی ہے, کفارہ نہیں آتا اس پر. جیسے مثال کے طور پر وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے کھانے سے قضاء اور کفارہ دونوں نہیں آتے, صرف قضاء آتی ہے, حالانکہ شریعت نے اس کو اجازت نہیں دی تھی روزہ توڑنے کی, پھر بھی اس نے توڑ دیا ہے, تو اس میں سنیں, اگر ایسی چیز آپ نے کھائی ہے جو چیز دوا اور غذا دونوں میں استعمال ہوتی ہے, غذا میں ہماری جتنی کھانے پینے کی چیزیں, یہ پورا بازار کھانے پینے کی چیزوں سے بھرا پڑا ہے, یہ ہماری غذا ہیں, کوئی چیز بھی کھانے پینے والی اب کھا پی لیں گے تو آپ نے جان بوجھ کر بلا وجہ کھائی ہے روزے میں, تو قضاء بھی ہوگی کفارہ بھی ہوگا. دوا بھی جتنی قسم کی ادویات ہیں, آپ نے کوئی چیز بطور دوائی, ضروری میڈیکل اسٹور سے ملتی ہو, آپ نے گھر میں کوئی نسخہ استعمال کیا بطور دوائی کے کھایا, جو چیز آپ نے بطور دوائی استعمال کی اور بلا وجہ روزہ توڑا ہے تو اس پر قضاء بھی ہوگا کفارہ بھی ہوگا. اور اگر آپ نے ایسی چیز کھائی ہے جو نہ قضاء, جو نہ دوائی میں استعمال ہوتی ہے نہ غذا میں استعمال ہوتی ہے, آپ نے کھا لی حلق سے گزر گئی, تو اس سے قضاء آئے گی کفارہ نہیں آئے گا. جیسے کاغذ کا ٹکڑا آپ کھا گئے, ٹیشو پیپر کا رول تھا آپ نگل گئے, اب ٹیشو پیپر کا رول نہ دوائی ہے نہ غذا ہے, اس سے روزہ ٹوٹ گیا چونکہ آپ کے حلق سے چیز اندر چلی گئی ہے, لیکن قضاء آئے گی کفارہ نہیں آئے گا. یہ ایک مفید نقطہ بھی ہے. بعض دفعہ آدمی بیماری کی حالت میں ایسا ہو جاتا ہے, اس وقت کوئی عالم اور مفتی نہیں جس سے فوری پوچھ سکے جی اب روزہ توڑنا جائز ہے کہ نہیں, ڈاکٹر ایسا پریشان ہو گیا کہ مریض کی حالت ایسی ہے, ڈاکٹر کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اب اس کو روزہ توڑواؤں یا نہ توڑواؤں, کہ میں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو کہوں روزہ توڑ دو اور شریعت کے لحاظ سے ابھی بیماری اس درجے کی نہیں تھی کہ روزہ توڑا جائے تو اس کا گناہ میرے سر پڑے. ایسے موقعوں کے لیے جب انسان شش و پنج کا شکار ہو جائے اور فیصلہ نہ ہو رہا ہو, کسی عالم مفتی سے رابطہ بھی نہ ہو رہا ہو, وہ ٹیشو پیپر یا بھی کوئی بھی کاغذ اس کو چھوٹا سا رول بنا کر, گولی سی بنا کر, بغیر پانی کیسے منہ میں ڈال کر اندر ہی لعاب سے نگل جائے, جیسے ہی اندر جائے گی نا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا.
और रोज़ा टूटने से उस पर कज़ा लाज़िम हो जाएगी, कफ़ारा नहीं होगा। अब उसने जो दवाई इस्तेमाल करनी है कर ले, अब अगर बिलफर्ज़ अंदाजे में गलती भी हुई ना कि इसको रोज़ा नहीं तोड़ना चाहिए था, तो भी कज़ा होगी, कफ़ारा नहीं होगा। टूथपेस्ट करने से, चूँकि ये भी एक अच्छा मसला पूछा डॉक्टर साहब ने, मास्टर साहब ने, हर वो चीज़ जिसके इस्तेमाल करने से आप ये समझते हैं कि रोज़ा टूट सकता है, टूटता नहीं है, टूट सकता है, उस चीज़ का इस्तेमाल करना मकरूह है और उससे रोज़ा नहीं टूटता। जैसे मसलन टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट में चूँकि हम वो पेस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें ये इस्तेमाल होता है कि झाग या दवाई अंदर जा सकती है, लिहाजा रोज़े के दौरान टूथपेस्ट का इस्तेमाल मकरूह होगा। लेकिन अगर किसी ने इतनी एहतियात से किया कि बड़ी एहतियात की कि उसने बिल्कुल एक ज़रा भी अंदर नहीं जाने दिया, तो रोज़ा टूटा नहीं है। ऐसी तमाम चीज़ें कि जिससे इंसान को ये शक होने लगे शायद रोज़ा टूट ना जाए, तो वो उसका उस काम का करना ही मकरूह है। फिर भी कोई कर ले और पूरी एहतियात से कर ले, चीज़ अंदर चली गई तो रोज़ा टूट जाएगा, ना गई तो नहीं टूटा। जी पहले पहले एक दो ये अल्लाह की नेमत है, ये सबको अल्लाह नसीब करे कि अगर किसी आदमी ने, वो फरमा रहे हैं कि पहले एक दो रोज़े में ना आदमी को याद नहीं रहता रोज़ा, कोई भूले से खा ले तो वो जी पी ले, और जी खा ले चाहे पी ले, चाहे रज के खा ले रज के पी ले, भूल के हो, बस जैसे याद आए फौरन रुक जाए। तो अगर कोई आदमी भूल कर खा पी ले या ताल्लुक भी कायम कर बैठे भूले से, तो रोज़ा नहीं टूटता इससे। हाँ भूले से नहीं था, हद तक यहाँ तक लिखा है कि एक आदमी रोज़ादार है और कुछ खा रहा है और दूसरे को पता है कि रोज़ादार है, इसमें भी गुंजाइश लिखी है कि उसको देखो कि जो है वो कैसा कमज़ोर कांगड़ी सा आदमी है कि बेचारा अगर रोज़े में न खाए पिए तो बड़ा औखा दिन गुजारेगा। अगर ऐसा है तो शरीयत का मसला, उसको याद ना दिलाओ, खाने हैं तो उसको अल्लाह खिला रहा है। और अगर वो माशाल्लाह हमारी तरह सेहतमंद आदमी है, उसका कोई मसला नहीं है, तो फिर उसको बता दो कि भाई आपको रोज़ा है, ताकि वो बाज़ आ जाए। अच्छा जी आज